अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में आम तौर से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहां जहां कुछ कमजोरियां हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदला है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका मुकाबला किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती है। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह रुख रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जितनी सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 40 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी सह भाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में इतने ही कर्मचारी थे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो कमियां बताई हैं, मैं समझता हूं कि उनके अलावा और भी बहुत सी कमियां हैं जिनकी तरफ उनको ध्यान देना होगा, और उन कमियों की वजह से भी टेलीफोन खराब हो जाते हैं। इसमें इस या उस पक्ष की बात नहीं है, एक तो मशीन की खराबी की वजह से यह होता है और दूसरे आपके अफसर भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मशीन और अफसर दोनों का साथ चलता है। आप देखें कि एक एक्सचेंज में आपके अफसर रहते हैं। इतने अफसर होने के बावजूद भी आप देखें कि चाहे पार्लियामेंट के सदस्य हों या आम नागरिक, क्या कोई भी अफसर सिवाय
लाइन मैन के ऊपर का कभी चेक करने के लिए जाता है।